नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज में विनय कुमार। प्रतिदिन की भांति मैं आप लोगों तक नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ आता हूं। अभी जो हमारे साथ नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनका नाम है जवाहर मुखिया, जो कि वर्तमान बिसरिया पंचायत से इनकी पत्नी उम्दा देवी निर्वाचित हुई हैं। जनता ने इनको इस बार आशीर्वाद दिया है। एक बार पहले भी सरपंच के पद पर रहकर इस पंचायत की न्यायिक प्रक्रिया को संभाले हैं, बहुत अच्छी तरह से उस न्याय जो ग्राम कचहरी में होता है उसको बखूबी से संभाले हैं। फिर से जनता ने इन्हें चुना है। अब देखना है अगला 5 साल इनका किस तरह होता है। इस पंचायत के बारे में मैं बता दूं कि यह पंचायत बाढ़ से प्रभावित पंचायत है। 4 से 6 महीने बाढ़ का पानी में ये पंचायत गिरा रहता है, लेकिन सरपंच की भूमिका बाढ़ में नहीं बल्कि न्याय प्रणाली संभालने का है। इस बार न्याय प्रणाली के साथ बिहार सरकार ने इनको कुछ मॉनिटरिंग अथॉरिटी दिया है। अब वो क्या दिया है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हम इनसे पूछेंगे कि अब अगला 5 साल आपका कैसा रहेगा, किस तरह ग्राम कचहरी को आप निपटेंगे, कैसे न्यायिक प्रक्रिया के बाद मॉनिटरिंग अथॉरिटी संभालेंगे। सर, स्वागत है आपका अखंड भारत में। सरपंच पद पर आए हैं, कैसा लग रहा है? सरपंच पद पर है सर, लेकिन सरपंच पद पर रहते हुए हम न्याय के कदर पर चल रहे हैं और न्याय करेंगे। और इससे पहले भी हम सरपंच था तो समाज में किसी तरह का विवाद हमारा मुकदमा अभी तक बहुत कोर्ट में नहीं गया। और हम ये कोशिश करते हैं, जो भगवान से विनती करते हैं, जो इस बार भी उससे ज़्यादा पोजीशन बना कर रखते हैं, जो आगे मेरा भविष्य ठीक रहेगा और जनता का भविष्य भी बना कर हम रखने के चाहते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे सरपंच साहब? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इस बार सरपंच का कार्य और अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, न्यायिक प्रक्रिया के बाद मॉनिटरिंग कुछ अथॉरिटी दिया है, कैसे संभालेंगे इसको? उसको संभाल लेंगे, जो मॉनिटरिंग का जो फाइल आएगा तो उसको हम संभाल लेंगे, चला लेंगे। जिस वक्त सरकार किसी तरह का नियम हमको देगा उस नियम का पालन हम अपना कर लेंगे। जनता दरबार कहीं कहीं सामने आया है कि सरपंच जनता दरबार भी लगा, आप भी जनता दरबार लगाते हैं? जी लगाते हैं, मेरा पंचायत भवन में जाकर कभी कभी दिक्कत है, जगह का भवना है, जगह सफा सुथरा नहीं है, तभी कुछ जाकर वहाँ जनता को बैठाकर ग्राम कचहरी के समाज का संबोधित करते हैं। शराबबंदी बिहार का सबसे महत्वपूर्ण कानून है, प्रतिनिधि का भी जिम्मेदारी है कि शराबबंदी को सफल बनाना। यदि आपके क्षेत्र में शराब मिलता है तो क्या करेंगे? कोशिश कर भी हम भी कोशिश कर रहे हैं, जो किस जिस भी हालत में हो, जो मेरा भी पंचायत में शराबबंदी होना अनिवार्य है, इसमें हम भी अपना खूब जोर लगा रहे हैं। जो सरकार अपना से नहीं होगा तो सरकार से मदद लेकर, लेकिन पंचायत में दारू बंद करना जरूरी है। शराब मिलता है आपके पंचायत में? मिलता है, कभी कभी चोर उचक्का कहूँ से कहूँ मंगा लगा कर पी लेता है, कहूँ से कहूँ हल्ला बवाल कर लेता है, पंचायत का प्रतिनिधि पर दबन पड़ता है, जो आप लोग दारू घूस लेकर सरपंच मिलकर अब घुस लेते हैं और दारू बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? लिए चक्का का पैदा इस जगह है, तो हम जो सच्चाई बात है जो हम दर्शा रहे हैं। आगे 5 साल कैसा रहेगा? आज 5 साल आगे कैसे रहेगा? भगवान से मृत्यु करते हैं, जो हम कोशिश करते हैं जो अच्छा से अच्छा बनाकर पंचायत के हम चला करेंगे। जिस हालत में होगा, अगर हमारा पंचायत से हम सरपंच द्वारा नहीं होगा तो उच्च न्यायालय से मदद लेकर किसी हालत में पंचायत का अच्छा ढंग से हम चलेंगे। ये थे बिसरिया पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच पति जवाहर मुखिया। आपने इनका सुना। फिर हम किसी नव निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।